मैनपुरी शहर में आज एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा और क्षेत्र अधिकारी अमर बहादुर सिंह, ट्रैफिक निरीक्षक, कोतवाली निरीक्षक और नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ बड़े स्तर पर नगर के ईशन नदी के पुल से लेकर कृष्ण तिराहे तक अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। बुलडोजर को देखकर अतिक्रमण करने वालों के पसीने छूट गए। वो आगे से ऐसा अतिक्रमण न करें, उसके लिए उनको चेतावनी भी दी गई। सीओ सिटी अमर बहादुर सिंह ने बताया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलते रहेंगे। सभी व्यापारी बंधुओं, ठेले, रेहड़ी पटरी वालों से अनुरोध है कि सड़क के किनारे पटरियों पर जितने भी अतिक्रमण हैं उनको अपने आप हटा लें, नहीं तो मजबूरन कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। शहर के किनारे अतिक्रमण से होने वाले आमजन को काफ़ी समस्या उठानी पड़ती है। कल से ही ये अभियान बहुत ही बृहद स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। कल एसपी साहब के निर्देशन में मैं, डीएम सदर साहब, कृष्णा साहब और सब पूरी टीम हम लोगों ने मिलकर शाम को पैदल कर दिया और सबको सचेत किया कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। उसके बाद जिन्होंने नहीं हटाया था, आज ईशन नदी पुल से लेके कृष्ण तिराहा तक हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। कल ईशन नदी से पूरी बाज़ार में चलेगा, ये अभियान अब चलते रहेंगे। तो इसलिए जिनको बचना है, जिनको कार्रवाई से बचना है, वो स्वयं अपने जो हद है उसके अंदर कर लें, नहीं तो उनके साथ अब कार्रवाई भी की जाएगी, जुर्माने भी लगेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर FIR भी किया जाएगा। इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए मैनपुरी से पंकज सिंह की रिपोर्ट।